के बाहर खेलने में जाऊंगा, यारों को डिब्बे के बाहर की दुनिया दिखलाऊंगा, कितना टीवी देखना है इसकी समझ जगाऊंगा। लेट्स गो। मेरे इन मस्ती भरे खेलों में भी फिटनेस है। फिट इंडिया तो हिट इंडिया, इसी सोच के साथ गुरुवार को पीएम मोदी ने फिट इंडिया अभियान की शुरुआत की, हिंदुस्तान को फिटनेस का मंत्र दिया। दरअसल 29 अगस्त भारत में खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। हॉकी के जादूगर के तौर पर चर्चित मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस आज ही है। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में हुए शानदार आयोजन में फिट इंडिया मूवमेंट का आगाज हुआ। इस मौके पर पीएम मोदी के साथ साथ खेल जगत की हस्तियों समेत कई सेलिब्रिटी भी मौजूद रहे। मुझे खुशी है कि बीते 5 वर्षों में भारत के स्पोर्ट्स के लिए बेहतर माहौल बनाने के जो प्रयास हुए हैं उसका लाभ आज हमें दिखाई दे रहा है। साथियों, स्पोर्ट्स का सीधा नाता है फिटनेस से, लेकिन आज जिस फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई है उसका विस्तार स्पोर्ट्स से भी बढ़कर के आगे जाने का है। फिटनेस एक शब्द नहीं है बल्कि स्वस्थ और समृद्ध जीवन की एक जरूरी शर्त है। सचमुच फिटनेस एक शब्द नहीं बल्कि स्वस्थ समृद्ध जीवन की एक शर्त है। इस अभियान के तहत हर कॉलेज और हर विश्वविद्यालय को 15 दिवसीय फिटनेस प्लान भी तैयार करना होगा और बकायदा उसे अपने पोर्टल और वेबसाइट पर अपलोड भी करना होगा। ये अभियान 4 साल तक चलेगा और हर साल इसकी एक अलग अलग थीम रखी जाएगी, जिसे खेल मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय समेत कई मंत्रालय मिलकर आगे बढ़ाएंगे। स्वच्छ भारत अभियान की सफलता के बाद अब फिट इंडिया मूवमेंट के जरिए पीएम ने लोगों को सेहतमंद रखने की मुहिम शुरू कर दी है, ताकि हर देशवासी फिट रहे और फिटनेस के जरिए देश हिट रहे। तो फिटनेस का ये फंडा कैसा लगा बताइए, और अच्छा लगा तो जीवन में इसे जरूर अपनाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, R90।